हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 29 मार्च के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट। करंट अफेयर के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलती रहे। तो स्टार्ट करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं विल स्मिथ। यहाँ आप इमेज में देखिए, ये है विल स्मिथ और इनकी एक मूवी आई थी किंग रिचर्ड, और किंग रिचर्ड में इनके अभिनय के लिए ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है विल स्मिथ को। अब बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड्स 2022 के विजेताओं की। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है COD। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है जेसिका चेस्टन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर बने हैं जेन कैंपियन। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसे मिला है? समर ऑफ सोल को। और एरियन डिबोस को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। सभी अवार्ड इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अब बात करते हैं ऑस्कर से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को। तो ऑस्कर अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आयोजन हुआ था लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में। ऑस्कर अवार्ड का यह कौन सा संस्करण था? 94वां। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी वर्ष 1929 में। यह अवार्ड्स हर वर्ष किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा ऑस्कर अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। तो सभी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस IIT में पेटास्केल सुपर परम शक्ति कंप्यूटर की स्थापना की गई है? तो इस पेटास्केल सुपर को नाम दिया गया है परम शक्ति कंप्यूटर, और इसकी स्थापना भी की गई है IIT खड़गपुर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की। तो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ही हमारे देश में अब सुपर कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं, और यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में भारत में शुरू हुआ था। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को IIT खड़गपुर और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDEC के द्वारा बनाया गया है। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा गया था पहले कि CDEC का मुख्यालय कहां पर है, तो आप CDEC का मुख्यालय याद रखिएगा, इसका मुख्यालय है पुणे में। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था और इसको लॉन्च किया गया था 1991 में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो यह भारत की पहली स्टील से बनी हुई रोड है, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। और यह स्टील रोड बनाई गई है गुजरात के शहर सूरत में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे अब। इस रोड को स्वच्छ भारत अभियान और वेस्ट टू वेल्थ पहल के तहत बनाया गया है, यानी जो यह स्टील वेस्ट के रूप में निकल जाता है उसका यूज करके अब रोड बनाया गया है, और इसको पहली बार बनाया गया है गुजरात के शहर सूरत में। यह रोड 1 किलोमीटर लंबी है और 6 लेन वाली रोड है। स्टील रोड के प्रोजेक्ट को किसने स्पॉन्सर किया है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CRRI के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया गया है। अब इसको बनाया गया है गुजरात में। तो गुजरात से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में अभी गुजरात को टॉप पोजीशन मिला है। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी भी लगाई गई है, याद रखिएगा देश की पहली न्याय घड़ी कहाँ लगाई गई है? गुजरात हाई कोर्ट में। PM मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन अभी कुछ दिनों पहले कहाँ किया है? अहमदाबाद में। गुजरात सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव अभियान को शुरू किया है। अब मैप में देखिए गुजरात को, गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल।
और गुजरात के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में भारत और किस देश ने आपसी व्यापार के लिए डॉलर की जगह अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? तो अभी भारत और रूस ने आपसी व्यापार के लिए डॉलर की जगह अपनी मुद्रा इस्तेमाल करने का निर्णय ले लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्चुअली होता क्या था कि अभी जो भारत या फिर कह सकते हैं विश्व के जो प्रमुख देश हैं, वह जब आपसी लेन देन करते थे तो डॉलर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और रूस के ऊपर बहुत सारे देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, और इन्हीं प्रतिबंधों के चलते जो अमेरिका है उसने रूस के ऊपर 500 मिलियन डॉलर जो रूस के थे उसको जब्त कर लिया है, तो रूस के ऊपर बहुत बड़ा घाटा लगा है। और अब रूस ने यह फैसला लिया है वह भारत के साथ जो आपसी व्यापार करेगा वह डॉलर की जगह अपने यहाँ की करेंसी को इस्तेमाल करेगा। मिलिट्री के जो वेपन्स है वह सबसे ज्यादा कहाँ बनाए जाते हैं? रूस में, और भारत रूस से ही सबसे ज्यादा इसको खरीदता है। तो अब जो भारत इसको पेमेंट करेगा तो किस फॉर्म में करेगा? रुपए के फॉर्म में। अब बात करेंगे रूस से रिलेटेड जो फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो रूस के रसिया वाले भाग को क्या बोलते हैं? साइबेरिया। रूस में स्थित है बैकाल झील जो कि दुनिया की सबसे गहरी झील है, याद रखिएगा। रूस और यूरान की सीमा पर स्थित है कैस्पियन सागर झील जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन, जो कि रूस में है। रूस की बात आती है तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस की संसद को क्या बोलते हैं? ड्यूमा। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। मैप में देख लीजिए रूस को, जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो अभी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 6 माह तक के लिए बढ़ा दिया है, और राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सितंबर 2022। एक्चुअली यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोरोना महामारी के दौरान लॉन्च किया गया था, और इस योजना के तहत हर महीने प्रति व्यक्ति लोगों को जो गरीब हैं उनको 5 किलो राशन मुफ्त में दिया जाता है, और इस योजना को अब अगले 6 माह सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल लॉन्च किया है? तो अभी संडे स्ट्रीट पहल को मुंबई पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अब यह संडे स्ट्रीट पहल क्या है? तो एक्चुअली अब जो संडे के दिन क्या होगा कि मुंबई पुलिस जो मुंबई की रोड है उनमें 4 घंटे के लिए ट्रैफिक को रोक देगी, और जो मेन ट्रैफिक है उसको अलग रूट से डाइवर्ट किया जाएगा, और इन रोड पे क्या होगा कि जो मुंबई के लोग हैं वह अपने परिवार के साथ निकल सकेंगे और इन रोडों पर संडे की छुट्टी को एंजॉय कर सकेंगे, और इसको अभी लॉन्च किया है मुंबई पुलिस ने। अब आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे मुंबई से रिलेटेड। तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर कौन है? संजय पांडे, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जरूर याद रखिएगा। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक कौन है? रजनीश सेठ, ये पुलिस कमिश्नर हैं और ये पुलिस महानिदेशक हैं। मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है कि भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, तो आप याद रखिएगा मुंबई। मुंबई के कुछ उपनाम हैं, 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, भारत का हॉलीवुड, सूती वस्त्रों की राजधानी और माया नगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इस दिन को मनाने की घोषणा अभी भारत में की गई है, और यह मनाया जाएगा अब हर साल 5 अक्टूबर को। 2022 से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब 2022 में 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। यह दिवस डॉल्फिन के संरक्षण और इसके बचाव के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई है, और शुरुआत किया है भारत ने।
अब आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इस करंट अफेयर से रिलेटेड, डॉल्फिन एक स्तनपायी जानवर है, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी NDRC बिहार के पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित किया गया है, इम्पोर्टेंट है। गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है, तो ये आपको याद था क्या पहले कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन सा है, तो गंगा की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु बोला जाता है। यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। गंगा की डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदियों में पाई जाती है। भारत में जो 50% से ज्यादा डॉल्फिन है कहाँ पाई जाती है, कौन सी स्टेट में, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, तो अभी ईगा स्टिविक जो कि विश्व की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं। पहले कौन थी, एस्ले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी थी और उन्होंने अभी हाल ही में 25 वर्ष की उम्र में ही टेनिस से संन्यास ले लिया है। तो अब नंबर वन की रैंकिंग जो कि खाली हो गई थी, तो नंबर टू के पोजीशन पर थी ईगा स्वीटिक और यह पोलैंड की खिलाड़ी हैं और अब यह नंबर वन पे पहुंच गई हैं टेनिस रैंकिंग में। अगर आपसे पूछे कि पुरुष खिलाड़ी जो टेनिस में नंबर वन पर हैं, तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। टेनिस की प्रमुख ट्रॉफियां कौन कौन सी होती हैं, डेविस कप, फेडरेशन कप, पैन स्पेसिफिक ट्रॉफी, होपमैन कप और सिटीजन कप। हाल ही में किस भारतीय धावक ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो अभी भारतीय धावक है अविनाश सेवल और अविनाश सेवल ने ही 3000 मीटर स्टीपल चेज में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। आप यहाँ इमेज में देखिए, ये है अविनाश सेवल। अविनाश सेवल ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्रिक्स टूर एथलेटिक्स में 3000 मीटर स्टीपल चेज में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन का निर्माण किसने किया है, तो अभी टीटीगढ़ वैगन जो कि पश्चिम बंगाल में है और टीटीगढ़ वैगन ने ही भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन का निर्माण किया है, इम्पोर्टेंट है। जो भारत में पहली बार बनाया जा रहा है वो आपको जरूर याद रखना है। अभी पहले हमने डिस्कस किया भारत की पहली स्टील रोड कहाँ बनी है, अब भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन को किसने बनाया है, तो टीटीगढ़ वैगन पश्चिम बंगाल ने। यहाँ इमेज में देखिए, ये जो मेट्रो ट्रेन है इसको पूरी तरह एल्यूमिनियम की बॉडी से बनाया गया है। ट्रेन एल्यूमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की ट्रेन है, यानी लाइट वेट ट्रेन होगी ये। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव है मनोज जोशी और इन्होंने कोलकाता के उत्तर पारा में आयोजित एक कार्यक्रम में इस ट्रेन का उद्घाटन किया है। तो किसके द्वारा इस ट्रेन का उद्घाटन किया गया है, मनोज जोशी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रितु खंडूरी किस राज्य के विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनी है, तो अभी रितु खंडूरी जो कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला स्पीकर बनी है विधानसभा में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में इस बार कौन सी विधानसभा चल रही है, यह 5वीं विधानसभा होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पुष्कर सिंह धामी। अच्छा, अभी ये पंजाब विधानसभा उत्तराखंड की रितु खंडूरी बनी है स्पीकर। अगर आपसे पूछे कि पंजाब विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं, तो कुलतार सिंह बाजवा। अब उत्तराखंड की बात आ रही है तो उत्तराखंड के टॉप 5 करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड पुलिस ने डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क को अभी हाल ही में शुरू किया है। इस डिफेंस फोर्सेस हेल्प डेस्क के तहत ही जो लोग मिलिट्री और डिफेंस में हैं उनके परिवार अब उत्तराखंड पुलिस में अपनी कंप्लेन दर्ज कराएंगे और जो उनकी कंप्लेन होगी उसका त्वरित निवारण किया जाएगा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। उत्तराखंड में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना उत्तराखंड में शुरू हुई है। देहरादून के चकराता शहर में भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन स्थापित किया गया है और यह देहरादून के चकराता शहर में किया गया है। रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी शुरू की गई है। रानीखेत कहाँ है, उत्तराखंड में।
चमोली जिले के माड़ा गांव में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। उत्तराखंड राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अक्षय कुमार और ऋषभ पंत। 100% साक्षरता वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? उत्तराखंड का देहरादून शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कोहिमा में आयोजित 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो कि पुरुष और महिला दोनों के लिए आयोजित हुई थी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी इसमें भारतीय रेलवे की महिला टीम ने 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। हाल ही में दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप SACCC और 56वीं क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है नागालैंड की राजधानी कोहिमा में और भारतीय रेलवे की महिला टीम ने ही गोल्ड मेडल इसमें जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो अभी शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने मालदीव के साथ समझौता किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अब मालदीव के साथ इसको समझौता किया है तो मैप में देखिए मालदीव को, मालदीव इंडिया के इस साइड में लोकेटेड है, सदर्न साइड में। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोले। डेली स्टैटिक जीके के डोज पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड यानी विश्व में सबसे बड़ा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? याद रखिएगा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहाँ है? भारत में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछे अगर आपके एग्जाम में तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा डेजर्ट। विश्व का सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? ब्लू व्हेल। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? माउना लोवा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा है? एल्बाट्रॉस। विश्व की सबसे बड़ी दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वट जो कि सबसे बड़ा मंदिर है विश्व में। अभी तक हमने डिस्कस किया 29 मार्च के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, अब डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन करेंगे कल के करेंट अफेयर का। तो कल हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था भारतीय बैडमिंटन संघ के यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव कौन बने हैं? संजय मिश्रा। अध्यक्ष कौन बने हैं? हेमंत बिश्व शर्मा, ये असम राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था फुटबॉल टूर्नामेंट सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है भारत ने। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक नियुक्त होने वाले प्रथम अफ्रीकी कौन बने हैं? तो अभी गिलबर्ट होकोम्बो को ILO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आज की क्लास में इतना ही था। क्लास को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को थैंक्स। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, साथ में इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए जहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे स्टडी मटेरियल देखने को मिलेंगे। इसकी PDF फाइल को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप जाके GS कैरियर अकेडमी सर्च करिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर की सभी PDF एक साथ मिल जाएगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।